હવે આગળ વાત કરીએ તો ભરૂચની ભરૂચના પાલેજ સ્થિત પીસીબીએલ કંપની દ્વારા છોડાઈ રહેલા બ્લેક પાવડરના વિરોધમાં નગરજનોએ ફેક્ટરી પાસે એકત્રિત થઈને ઉગ્ર વિરોધ દર્શાવ્યો હતો। भरूच जिल्ला में औद्योगिक तेमज व्यापारी नगरी पालेज में पीसीबीएल कंपनी प्रदूषण फैलावी रही है। आवी कंपनी प्रदूषण थी लोकोना घरना धाबा ओटला सुद्धा कारा थवानी व्यापक फरियाद उठवा पामी छे। लोकोना आरोग्य सामे खतरनाक रजकणों फैलावती पीसीबीएल कंपनी सामे पगला भरवामां तंत्र निष्फळ बनी रह्युं होवानो लोकोमां चर्चाई रह्युं छे। कंपनीओना प्रदूषण पालेज ने कारणे घेरी वरी छे। गुरुवारनी रात्रे कंपनी द्वारा छोड़वामां आवेला कारा रजकणो लोकोना रहेठाणो सुधी पहोंचता शुक्रवारे सवारे गृहिणीओए मीडियानुं ध्यान दोर्युं हतुं, जेना पड़घा बीजा दिवसे पण जोवा मळ्या हता। पालेजना नगरजनोए कंपनी पासे एकत्र थई विरोधना भागरूपे कंपनी विरुद्ध सूत्रोच्चार करी भारे आक्रोश ठालव्यो हतो, तेमज प्रदूषण फैलावी रहेली पीसीबीएल कंपनीने तात्कालिक धोरणे बंद करवानी मांग करी हती। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममां તાલુકા સદસ્ય મોહસિન પઠાણ, કોંગી કાર્યકર કાલુ ચૌહાણ, જમિયાતે ઉલમાએ હિન્દ ગુજરાતના સેક્રેટરી અબ્દુલ કયુમ હક તેમજ નગરના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પાલેજ મેં કાર્બન ઉડાકર ઉસકે અસ્તિત્વ કો ખતરનાક મોડ પર લા ગયા હૈ। બંધારણ ને હમે અધિકાર દિયા હૈ સ્વસ્થ તંદુરસ્ત જીવન જીને કા, ઓર उसमें ऐसी फैक्ट्री के लिए बस्ती से 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होना चाहिए, ये संविधान में है और ये फैक्ट्री एक्ट में भी है। फिर भी जीपीसीबी, सीपीसीबी और हुकूमतों ने मिलजुल कर इस फैक्ट्री को हमारे आंगन में डाल दिया है। फैक्ट्री जब यहाँ आने वाली थी उस वक्त हमने विरोध किया था और चेयरमैन से बात की थी। लोग ये समझते हैं कि कार्बन यान वो कार्बन पेन वाली फैक्ट्री होगी, सब लोग हमारे बच्चे इसमें नौकरी पर लग जाएंगे और हमें अच्छा रहेगा, वो हमें रोक रहे थे। आज पूरा गांव इससे परेशान है, यहाँ तक कि अभी गुरुवार को रात को इतना कार्बन छोड़ा और हर साल एक बार ये ज़रूरी सफाई करते हैं और बोलते हैं कि फट गया था। तो हमारा स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार इससे अवरोधित होता है और लोग इससे परेशान हैं। सबसे ज़्यादा महिलाएं परेशान हैं, क्यों कि घर के टेरेस कपड़े ये वो सब काला हो जाता है। यहाँ तक कि पालेज का बंदर भी अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो दूसरे बंदर उसको भगाते हैं, वो जान जानवर वनस्पति सब खत्म हो रहा है। पालेज कपास का व्यापार था, बड़ा मथक था, न्यूयॉर्क में उसके भाव पड़ते थे। कार्बन के कारण क्वालिटी खत्म हो गई और कपास और कपासिया का कारोबार भी खत्म हो गया, तो पालेज के थोड़े लोग भी जो धंधे में थे वो भी खत्म हो गए। तो हम चाहते हैं कि फैक्ट्री को फौरन बंद कर दिया जाए। सिर्फ क्लोजर नोटिस क्यों, क्लोज इट, वरना हम इसके सामने अब जन आंदोलन खड़ा करेंगे और इसको बंद करवा के रहेंगे। पार्थ को कहो चढ़ावे बान, अब युद्ध वही कल्याण बंद। भरूच जिला पालेज खाते आवेली फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड कंपनी के जे प्रदूषण रोकी रही है, जेना पगले गत रोज एवं साफ करवाना बहाने कार्बन पाउडर छोड़ा पालेज ने नगरजनों पारावार मुश्किल में मुकाई गया था। अने खास करीने गृहिणी और मीडिया समक्ष खूब रोष ठालव्यो हतो। अमे आपने जे दृश्य में बतावा जई रह्या छे के जे आप जोई रह्या छो, आईस कार्बन फेक्टरी छे के ज्यांथी दिवस रात कार्बन पाउडर छोड़वामां आवे छे अने जेना कारणे पालेज सहित आजूबाजूना गामोना लोको पर खूब परेशान थई गया छे। પાલેજના નગરજનોની માંગ છે કે આ કાર્બન ફેક્ટરીને તાત્કાલિક ધોરણે બંધ કરી અને પ્રદૂષણ અટકાવવું જોઈએ। યાકુબ પટેલ સાથે જેડેસ ટીવી ભરૂચ। હું કાલુ ચૌહાણ, અખિલ ભારતીય માનવ અધિકાર નિગમ નિગરાની સમિતિ ભરૂચ જિલ્લા પ્રમુખ। આજ રોજ પાલેજના આગેવાનો એ મને રજૂઆત કરી કે ફિલિપ્સ કાર્બન કંપનીમાંથી અમારા પાલેજ ગામના અંદર લોકોના સ્વચ્છતાને તિરાડ થાય છે, જેના અનુસંધાનમાં આ કંપની જે છે એ કંપની તાત્કાલિક ધોરણે બંધ કરવામાં આવે, કારણ કે ઘણા સમયથી પાલેજના સ્થાનિક આગેવાનો રજૂઆત કરવા છતાં પણ જે તે અધિકારી દ્વારા યા જે તે આગેવાનો દ્વારા અહીંયા મતલબ મેં
એ લોકોને સંભાળવામાં આવતું નથી. એટલે આ રજૂઆત જો વહેલી તકે આ લોકો નહીં સાંભળે તો આવનારા દિવસોમાં માનવ અધિકારી નિગરાની સમિતિ દ્વારા અહીંયા જન આંદોલન કરવામાં આવશે અને આ કંપનીને તારા મારવામાં આવશે. વહેલી તકે આ પાલેજ ગ્રામ પંચાયત ને પાલેજમાં આવતા સોસાયટી વિસ્તાર જે કોઈ પ્રશ્નો હોય તે સોલ્વ કરે એ કંપનીની પ્રથમ જવાબદારી છે. યાકુબ પટેલ, ZSTV, ભરૂચ.